ग्रीस एम्बेसी की वर्क वीज़ा की जो फाइल है और अपॉइंटमेंट है और जो वीज़ा का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें क्या कोई तब्दीली हुई है? क्या अपॉइंटमेंट ख़त्म होने वाली है? और फीस जो वो आपसे लेते थे उसमें क्या प्रोसेस बदला है, क्या तरीकाकार बदला है, इसके मुतल्लिक बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट। यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ग्रीस की वर्क वीज़ा की फ़ाइल, जो कि आजकल सीजनल वर्क वीज़ा की फ़ाइल चल रही है, उसके प्रोसेस में कुछ 1.5-2 माह पहले तब्दीली हुई थी कि उसकी अपॉइंटमेंट उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दी थी। वेबसाइट पर उन्होंने पोर्टल का उसका लिंक दिया था कि यहाँ से आप वेबसाइट पर जाएंगे और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। उससे पहले ईमेल पर होती थी। अब अपॉइंटमेंट ऑनलाइन है, अपॉइंटमेंट ईमेल पर नहीं होती। पोर्टल जो उन्होंने दिया होता है उसी पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल आती है और उसी पर आपको वो मिलती है। फाइल का जो प्रोसेस था और डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होता है जो एप्लीकेंट है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका FRC और उसका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये वाले पेपर आपको फॉरन ऑफिस से अटेस्टेड करवाने हैं और सिर्फ फॉरन ऑफिस से ही करवाने हैं। एम्बेसी से इनके लीगलाइजेशन नहीं चाहिए। फॉरन ऑफिस से अटेस्ट करवाने के बाद डायरेक्ट वीज़ा एप्लीकेशन आपकी फ़ाइल जो है वो जमा हो जाती है, तो लीगलाइजेशन का प्रोसेस इसमें शामिल नहीं है ग्रीस के सीजनल वर्क वीज़ा की फ़ाइल में। तो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ आपने फॉरन ऑफिस से अटेस्ट करवाने हैं, उसके अलावा इनकी ट्रांसलेशन वगैरह भी नहीं चाहिए किसी भी पेपर की। आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 1 साल आगे वैलिड होना चाहिए। ये पासपोर्ट के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ आप पहले से देख लें कि पासपोर्ट आपका 1 साल आगे वैलिड हो। पासपोर्ट एक्सपायर होने में कम से कम 1 साल बाकी हो। वीज़ा फ़ीस जो आपकी एम्बेसी में जमा होती थी, 180 यूरो फीस है, जो कि यूरोज़ में ही जमा होती है। वो आपसे पाकिस्तानी रुपीज़ में जो उसकी करेंसी बनती है, जो पैसे बनते हैं, वो नहीं लेते। वो 180 यूरो ही आपसे लेंगे। तो आपको किसी भी एक्सचेंज से जाकर पहले ये अपनी करेंसी कन्वर्ट करवा कर 180 यूरो रिसीव करने हैं, फिर आपको एम्बेसी जाना है। इसके अलावा एम्बेसी में वो आपसे अपॉइंटमेंट वाले दिन मेडिकल की फ़ीस लेते हैं, जो कि 30-32 हज़ार रुपये के करीब मेडिकल की फ़ीस होती है। और अगर वो आपके पास उस दिन ना हो तो आपको वो टाइम देते हैं, 1 हफ्ते का 8 दिन का आपको टाइम मिलता है कि उस दिन उस टाइम के दौरान आपने फ़ीस जमा करवानी है और मेडिकल टेस्ट अपना करवाना। अब अगर आपका मेडिकल हो जाए और मेडिकल पास हो जाए, आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाए, मेडिकल आपका पास हो जाए, फिर वो आपसे लेंगे वीज़ा की फ़ीस, जो कि 180 यूरो मैंने पहले बताई है। अदरवाइज़ वो आपसे पहले वीज़ा फ़ीस नहीं लेंगे। पहले लेते थे साथ ही, अब वो वीज़ा फ़ीस आपसे साथ ही नहीं लेते। मेडिकल की फ़ीस लेते हैं और मेडिकल जब अप्रूव हो जाए, आपका पास हो जाए, तब वो आपसे वीज़ा फ़ीस लेते हैं और तब वो आपको वीज़ा देते हैं। इसके अलावा वो आपसे इंटरव्यू में जो बातचीत करते हैं उसमें वो ये चीज़ें आपसे पूछते हैं कि जिसके पास आप जा रहे हैं उसका नाम क्या है, आपका वहाँ पर काम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, उसके मतलब चीज़ें पूछते हैं। और वो पहले आपने काम किया है या नहीं किया, इसके मतलब भी वो आपसे पूछते हैं। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन पोर्टल पर बुक करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करें, डॉक्यूमेंट्स को फॉरन ऑफिस से अटेस्ट करवाएँ और ये फॉरन ऑफिस से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट वाले दिन एम्बेसी में ले जाएं। तो एम्बेसी वाले वीज़ा प्रोसेस जो है वो इनका काफ़ी शॉर्ट है। ये बहुत लंबी देर आपको लटका कर नहीं रखते जवाब देने में। ये जल्दी ही इस फाइल को प्रोसेस कर देते हैं और 1 माह के अंदर अंदर आपको वीज़ा भी मिल जाता है। जब एम्बेसी की तरफ से आपको वीज़ा मिल जाए, सबसे पहला स्टेप है मेडिकल पास होना, वो हो गया, वीज़ा फ़ीस जमा करवाएं, वीज़ा फ़ीस जमा करवाई, वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिल जाएगा तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो वर्क आपका कॉन्ट्रैक्ट आया है ग्रीस से, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाएं और प्रोटेक्टर ऑफिस से उसकी अटेस्टेशन करवाएं और अब आप रेडी टू फ्लाई हैं, आप ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं। तो ये है टोटल ग्रीस के सीजनल वर्क वीज़ा की फाइल का प्रोसेस, बिल्कुल शॉर्ट सा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बता दिया है आपके ये चीज़ काम आएगी, क्योंकि ये प्रोसेस इतना ही है। इसके अलावा कोई इजाफी पेपर नहीं चाहिए, कोई अथॉरिटी लेटर वगैरह नहीं चाहिए और ना ही किसी और जगह से कोई अटेस्टेशन चाहिए। तो ये थी ग्रीस एम्बेसी के हवाले से अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी वीडियो। अगर पसंद आ गई है वीडियो को लाइक करें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।